जलसों में नाकाम हो के वहाँ तकरीरें करके और फैसला करके असम्बलियों को तोड़ना जो है वो असम्बलियों की तोहीन है, अवाम के मैंडेट की तोहीन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की और जमहूरी अमल की जो है वो तोहीन है, जो कि इस वक्त जो है वो इमरान खान अज़ीज़ जो है वो करने जा रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में कि वो KPK की और पंजाब की असम्बली जो है वो तोड़ते हैं, तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे, और हम उन इलेक्शंस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मत ये समझे कि हम वो इलेक्शन से जो है वो पीछे हटना चाहते हैं या इलेक्शन से जो है मुखौफजदा है, कोई ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी हमारा मौक़िफ जो है वो असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने का है, जो कि कभी इनका भी मौक़िफ था, जो कभी ये भी कहते थे कि जी एक दिन पहले भी नहीं हो सकता जी, 16 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है, ये 15 को भी नहीं हो सकता, एक दिन पहले भी नहीं हो सकता। तो वही असम्बलियाँ हैं जिनके मतलब हम आप कह रहे हैं कि वो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगी। और मेरा एक मुतालबा है कि आप KPK और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने के अमल से पहले ये जो कौमी असम्बली से आप गए हुए हैं ये इस्तीफ़े तो दे दें, ये स्पीकर साहब के पास आएँ और आगे उनको कहें कि जनाब हम हाज़िर हैं, हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो आदमी स्पीकर को आगे कहेगा, और फिर कम से कम तनख्वाहें लड़ी बंद कर दें, चलें पार्लियामेंट लॉजिस जो है वो खाली कर दें, गाड़ियाँ वापस कर दें, जो मिनिस्टर हाउस बैठे हैं हाउसेस में वो खाली कर दें, यानी छोड़ तो आप कोई चीज़ भी नहीं रहे, और जो है वो प्रोपेगंडा जो है वो आप कर रहे हैं। तो फिर अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इन सीटों के ऊपर भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो करवा दिए जाएं। तो इस सूरत हाल में मैं ये बात वाज़ह करनी चाहता हूँ कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी पूरी तरह से जो है वो वफाकी हुकूमत की नज़र में है, और उनके ऊपर हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, हमारी मसल्ला अफवाज पूरी तरह से कम्पिटेंट भी हैं, इन पोजीशन भी हैं कि हर किस्म की जो है वो सूरत हाल को न सिर्फ फेस किया जा सकता है बल्कि कंट्रोल किया जा सकता है, कैप्चर किया जा सकता है। इसमें आवाम के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी की जो है वो बात नहीं है। हम तमाम वाकयात पे नज़र रखे हुए हैं, और जहाँ तक सूबाई हुकूमतों की डोमेन है उसमें रह के उनकी मदद करके इन चीज़ों को कंट्रोल करने की जो कोशिश है उसे मुअस्सर बनाया जाएगा, और अगर बात को आगे बढ़ी तो फिर जो भी ऑपरेशन ज़रूरी हुआ उसे जो है वो वक्त पे किया जाएगा, और कतन उसमें कोई देर जो है वो नहीं होगी। बाकी सियासी हवाले से भी जो है वो जो अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है इसको जो है वो रोकने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके नतीजे में जो भी एक्ट सामने आएगा उसका कानून और आईन के मुताबिक जो है वो हल जो है वो किया जाएगा। इनकी ब्लैकमेलिंग को किसी तौर पे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।